ਹਾਮੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਇਕੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। खबर लेंदे हां लुधियाने तो, लुधियाना भामिया रोड से खाली प्लाट दे विच्चों मिली नवजम्मी बच्ची। जमालपुर पुलिस वालों बच्ची नूं सिविल हॉस्पिटल करवाया गया दाखल। साढ़े देश विच भावें औरतां नूं मर्दां दे बराबर का दर्जा दिता गया है पर अज भी समाज का एक हिस्सा है जो लड़कियां ते लड़कियां दे विच फर्क समझदा है। अजिहा ही मामला लुधियाना दे भामिया रोड ते स्थित प्रीतनगर इलाके तो सामने आया है जिथे खाली पलाड़ दे विचों नव जम्मी बच्ची बरामद हुई है। सवेरे तड़कसर रोण की आवाज सुनने तो बाद पुलिस नूं इतलाह दित्ती गई जिस तों बाद पुलिस ने बच्ची नूं लुधियाना दे सिविल हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया। बच्ची की हाल फिलहाल खतरे तो बाहर दसी जा रही है। दूसरे पासे थाना जमालपुर के ASI जितेंद्र कुमार ने जानकारी देंदिया दस्या है कि बच्ची नूं इलाज दे लई जच्चा बच्चा सिविल हॉस्पिटल विच दाखिल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रीतनगर इलाके की गली नंबर 1 दे विचों बच्ची की रोण की आवाज़ लोगों नूं मिलण तो बाद पुलिस मौके पर बुलाई गई। उन्होंने दस्या कि बच्ची नूं अखबार विच लपेट के झाड़ियों विच सुट्टिया गया सी। बच्ची लगातार रो रही सी, रात नूं शायद कोई इस नूं सुट गया होना। पुलिस CCTV दी फुटेज नूं भी खंगालन की कोशिश कर रही है और बाद विच मानयोग अदालत दे जो हुक्म होणगे उसके अनुसार ही बच्ची नूं आश्रम विच भेजा जाएगा। इस संबंध विच ASI साहब नाल की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। ये जी इस तरह भी कल सवेरे सानूं कंट्रोल रूम तो इतलाह मिली सी भी एक भामिया रोड से रूपनगर गली नंबर 1 दे विच खाली प्लाट च कोई बच्चा सुट गया कोई अनोन बंदा। तो जिस तों बाद असीं मौके ते गए ते जाके देखिया कि एक गली नंबर 1 दे विच खाली प्लाट है उहदे विच इक लिफाफे दे विच बच्चा पा के सुटिया हुआ सी किसी ने जो एक राहगीर जो कूड़े इकट्ठा पुट्ठा करता बेचारा कागज़ उन्हें देखिया तो रौला पाया जो चैक किया जाके तो लड़का सीगा नम जमया जो ऐ लगता सी जिवें 2-4 घंटे का ही मतलब होवे तो वो फिर चैक किया तो जिंदा सी बच्चा। असी कुछ महल्ले लोगों की हैल्प ली उस तो बाद लैके फिर एंबूलेंस को कॉल की जाके फिर हॉस्पिटल एडमिट कराया। बच्चे की मौजूदा हालत की है जी, कि बारे जानकारी मिली है? बच्चा जो कल तो उसकी हालत थोड़ा सीरियस सी, सह लैन थोड़ा तकलीफ थी लेकिन अज थोड़ा स्टेबल है। एडमिट कराता जो ऑक्सीजन वगैरह लाई थी हूँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया कल एंबूलेंस मंगा के तो जो अज मेरी डॉक्टर ने गल हुई है सवेरे उन्होंने दसिया भी बच्चा कुछ ठीक है कल और बैटर है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ कि एक पासे तो देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाने की कोशिश करते हैं, बेटी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग अजिहे ने जो इस तरह घटनावां नूं अंजाम देंदे ने। ये तो बिल्कुल सच है कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। मौजूदा हालातों ते नज़र मारीए तो इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया ते हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तों नजात दिवाउण लई हाज़र है फीर लीफ पावर जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है जिमें मरदाना कमजोरी अंतरियां दी सोजिश पेशाब विच जलन दिल की कमजोरी खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टेस्ट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वो नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने वो हुण फीर लीफ
पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नू हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784 84087।